हेलो, सलाम वालेकुम। आप कौन? आदिल हाउस? बट दिस इज फर्स्ट इन द फ्रंट इज द आदिल हाउस ना? ओके, आई एम आदिल वाइफ राखी सावंत पाती। आई एम आदिल वाइफ। सो कैन यू गिव माई मैसेज वेन एवर हिज मतलब उनके मम्मी डैडी आए तो आप मैसेज देंगे मेरा? हाँ, फ्रंट से है ना उनका हाउस, ये रेंट पे दिया है ना उन्होंने आप लोगों को, तो आप बोलना कि उनकी बहू आई थी राखी सावंत और घर में आके देखा तो लोग ताला मार के बैठे हैं, तो प्लीज आप मैसेज देंगे। हाँ, याद से आदिल को भी, अगर आदिल कभी आए तो आदिल को भी मैसेज देना। आदिल इज इन द जेल, वो मैसूर जेल में है, यहाँ पे पुलिस चौकी जेल में, और मुंबई में भी काफी मतलब उन्होंने कांड किए हैं। हाँ 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 जी, आप आदिल के मम्मी डैडी को मैसेज देंगे क्या मैं आई थी? अरे इधर तो रहते हैं ना। हाँ, मैं नीचे आती हूँ, आओ जरा आओ। हाँ, ये आदिल का घर है, गली है आदिल की, देखिए दिखाइए नीचे से गली, यहाँ से। आप तो इतनी खूबसूरत है। मैं खूबसूरत हूँ, फिर भी आपके आदिल ने देखो क्या किया है मेरे साथ। क्यों, शादी किया है ना? हाँ, शादी किया है मैंने, इस्लाम कबूल किया है मैंने, निकाह किया है, कोर्ट मैरिज किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक लड़की के साथ रेप का किया, तो पुलिस स्टेशन में है। मुंबई में भी एक लड़की के साथ अफेयर करके मेरा पैसा दागिना सब कुछ चोरी कर लिया है उन्होंने, मेरी माँ का पैसा सब कुछ, आप समझ रहे हो। मेरी माँ मर गई है, माँ आदिल के कारण मेरी माँ मर गई है। उन्होंने मन को पैसा दिया था, टाइम पे उन्होंने इलाज नहीं कराया, तो मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मर गई है। तो आदिल की मम्मी और सब लोग आए तो आप लोग मैसेज देंगे, तो आप लोग, ये आदिल के पड़ोसी हैं, बचपन से देखे हैं। कैसा है आदिल बताइए? आदिल बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों किया? पता नहीं, यही हमें भी पता नहीं चल रहा क्यों। मैं तो उसकी बीवी हूँ, आज भी हूँ, मैं तो कभी तलाक देने वाली नहीं हूँ। हम तो देख के आए, मैं तो कभी तलाक नहीं दूंगी उसे। वो यहाँ पे इनके पड़ोसी है आदिल के, ये देखिए सब। तो उनकी मम्मी को आप लोग मेरा मैसेज दीजिए, मम्मी हमारे से बातचीत नहीं करते, पड़ोस के पड़ोस से ही ना, हमें उसके मतलब ऊपर बिल्डिंग में ही ना, हमारे से कोई भी बात क्यों। ईद उस जहाँ पे आके यहाँ पे वो क्या हुआ, गरीब अमीर एक ही होता, कब्र में जाता तो गरीब अमीर नहीं होता, आज इंसान इंसान होता। मैं गरीब और अमीर में मानती ही नहीं हूँ, सब एक ही है इंसान। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए गरीब अमीर एक ही होना। क्या किसको? गरीबा को इनकार करती? हाँ हाँ, अच्छा तभी अपने बेटे को लूटने भेजा मुझे मुंबई, लूट लेके आ जा करके भेजा रहेगा, भेजा रहेगा लूट लेके आ जा करके ना, मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरी माँ मर गई जी, और से यहाँ मेरी माँ के जेवर वेवर सब लूट के सब चला गया, अभी मैं यहाँ आई हूँ मिलने जी। और नहीं उन नहीं रहेंगे माम उनके, नहीं अभी मैंने देखा ताला मर के चले गए, सुबह बात करी मैंने जी। आप लोग देंगे मैसेज आदिल की माँ को? आएंगे तो देंगे, जरूर देंगे मैसेज। अरे बात नहीं करते तो घर में घुस जाओ ना, मैं तो उनकी बहू हूँ, मैं आई हूँ घर में घुसने, ताला तोड़ दूँ, तोड़ दूँ ताला, कुछ भी कर सकते, मेरा तो हक है, लेकिन ताला भी बड़ा बड़ा लगाए टूटने वालों में से, टूटेगा क्या? चलो टूटेगा। हाँ चलो चलो, ताला तोड़, सेल्फी तो नहीं, ताला तोड़ती हूँ मैं, आ जाओ, बहू हूँ कैसे, ताला चलो ताला तोड़ो, मुझे ताला तोड़ के दे, घर में जाती घर में शूट करना, बहू हूँ मैं, ताला तोड़ के जाती। चलो भैया ताला तोड़ा दो, ताला भैया ताला तोड़ा दो ना।
घर में मेरे जाऊं, इतनी दूर से आई हूं मैं, चाबी वाले को बुलाओ। क्या बोल रहे हैं? अरे खुलवा दो ना कोई ताला, केस क्या होगा? मैं कुछ चोरी करने थोड़ी आई हूं। ताला तोड़ दो। तोड़ती मैं ताला। क्यों? ताला खोल दो फिर, खोल दो ताला। नहीं टूटेगा, चाबी नहीं तुम लोग के पास? क्या वहां नहीं टूटेगा क्या? तो आपके पास चाबी है? आप लोग मैसेज देंगे कि मैं आई थी? चलो। राखी सावंत जो है मैसूर पहुंची, दरअसल वो आदिल के घर गई, जो कि वीडियो मैंने आपको दिखाया। हालांकि वो माता पिता से मिलना चाहती थी आदिल के, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि राखी आ रही है तो वो ताला बंद करके चले गए, इस तरह का दावा जो है राखी ने किया है। हालांकि राखी उनके पड़ोसियों से जाके मिली, जो एक एरिया था, नीचे स्लम था और ऊपर जो था आदिल का घर था, वहां रहने वाले लोगों ने कहा कि आदिल बहुत अच्छा है, जिस पर राखी ने कहा कि तो फिर मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन इसके बाद जो है, जो वहां पर पड़ोसी थे स्लम एरिया में जो रह रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी हमें इनकार कर देती है, हमें आने नहीं देती, हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं है। तो राखी का ये दावा है कि शायद जरूरतमंद लोग या गरीब लोगों से वो दूर रहती हैं। उसने कहा कि आदिल को लेकिन मुझे तो लूटने के लिए भेज दिया, और उसके बाद आदिल का घर तोड़ने के लिए राखी ने पत्थर भी उठा लिए, जो आपने वीडियो में देखा। और उसने ये दावा किया कि अगर उनकी बहू आई है तो वो घर बंद करके कैसे जा सकते हैं। राखी ने ये भी दावा किया कि कुछ भी हो जाए मैं कभी आदिल को डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो आपको क्या लगता है कि राखी फिलहाल आदिल जेल में है? और राखी ने यह भी दावा किया कि जब वो गई बेंगलोर, वहां पर जो है आदिल के घर भी गई, तब जाकर उसने आदिल से भी जेल में मुलाकात की है।